अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं। आज हम आपको एलसीएम या ज़ू इज़ाफ़े अक़ल मालूम करने का इंतहाई आसान तरीका बताएंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट को, मैथ के हर स्टूडेंट को एलसीएम का सामना लाजमी करना पड़ता है। तो इसमें हम आपको चार मेथड बताएंगे, क्योंकि इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों प्रोसीजर आपको इंतहाई आसान तरीके से बताएंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास, लेट्स सपोज, पहले आपके पास एक, हम करते हैं एडिशन वाला, ये किस तरह हम एलसीएम में ऐड कर सकते हैं। लेट हमारे पास है वो 2/3 प्लस 3/4। अब इसका सबसे इजी तरीक़ाकार ये है कि इसमें आपको एक आसान तरीका ये है कि आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। तो सबसे पहले हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4 दा आपके पास आएगा 8, बीच में आपके पास है प्लस। उसी के बाद आपने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3×3 = 9। ये है पहला प्रोसीजर। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आएगा ये 4×3 = 12। 9 और 8 हो गए आपके पास 17, और आपके पास आएगा 12। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास तरीक़ेकार है, जब हमारे पास दो वैल्यूज़ के दरमियान साइन माइनस का हो, इसमें भी बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर है, मगर इसके दरमियान साइन जो है वो माइनस का है। सेम प्रोसीजर, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3×9 दा आएगा आपके पास 27, बीच में साइन माइनस का, और 5×5 = 25। इसी के बाद डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5×9 = 45, 27 − 25 = आएगा 2k, और इसका डिनोमिनेटर में आएगा 45। अब इसके बाद जब हमारे पास बीच में साइन हो मल्टीप्लिकेशन का, अब जब दरमियान में साइन था माइनस का या प्लस का, तो हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, मगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5×6 दा आपके पास आएगा 30, और डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4×3 = 12। तो ये है हमारे पास जब बीच में साइन हो मल्टीप्लिकेशन का। लास्ट में हमारे पास जो प्रोसीजर है उसमें बीच में आपके पास डिवीजन का साइन है, तो इसमें भी सबसे पहला जो स्टेप है, आप ये भी जानते होंगे, जब दो चीज़ों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपने इस साइन को चेंज करना है। ये आएगा 5/4 अब ये जो साइन है ये है डिवीजन का, तो इसको चेंज करेंगे, इधर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 4/3 जो है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, आपके पास आएगा 3/4। अब वही सेम प्रोसीजर जो हमने मल्टीप्लिकेशन में किया है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आएगा 4×3 = आएगा 12, और 5×4 = आएगा 20। तो ये जो था आज हमने आपको चारों प्रोसीजर बताए, जिसके ज़रिए आप एलसीएम को इंतहाई
आसान तरीके से मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो इसी तरह आपको मैथ को साफ करने के आसान से आसान तरीके मज़ीद भी मैसर होंगे। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें।